नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहूणं मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलि मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रदानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम शेतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासति चिस्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिदे। पूज्य बहन श्री के वचनामृत नाम का ये ग्रंथ है, उनकी स्वाध्याय और तत्व चर्चाओं में से चुने हुए वचनामृतों का संकलन और एक एक वचन इतना अद्भुत कि गुरुदेव श्री ने भी एक एक वचन पर प्रवचन किए। अपन ने इसमें ऐसा सोचा है कि वैसे तो एक एक वचनामृति बहुत जोरदार है, क्या छांटे क्या नहीं छांटे, लेकिन फिर भी जो बहन श्री से सीधे सीधे प्रश्न किए गए थे और उन प्रश्नों के जो उत्तर उन्होंने दिए, उन बोलों पर अपन चर्चा करते हैं। गुरुदेव श्री ने जब ये प्रश्नोत्तर वाले बोल स्टार्ट हुए तब इस बात को दो तीन जगह कहा, घना सरस प्रश्न कर्या छे, मतलब प्रश्न भी बहुत अच्छे किए हैं, ऐसा गुरुदेव बोलते थे। उत्तर तो बढ़िया है ही, लेकिन प्रश्न करने वालों ने प्रश्न भी बहुत अच्छे किए हैं, तो अपन उन्हीं पे चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहला 419 नंबर के बोल में एक प्रश्न है, और वो प्रश्न अपन सभी लोगों का प्रश्न होता है कि हम अनंत काल के दुखियारे हैं। ये रोना रोते कि नहीं रोते, अरे साहब अनंत काल से भटक भटक कर चारों गति में हमने तो बहुत कष्ट पाए, हम तो अनंत काल के दुखियारे, मैं दुखिया संसार में, है ना, बोलते कि नहीं बोलते कि हम अनंत काल के दुखियारे, हमारा वह दुख कैसे मिटेगा। देखो दो बातें तो इस प्रश्न में नक्की हो गई कि अनंत काल से हम दुखी हैं और दुख मिटाने की भावना भी है प्रश्न करने वाले की, और दुख मिट सकता है यह भरोसा भी है। देखो प्रश्न में से तीन बातें निकली क्या, अगर अगर उसको ये पता होता कि एक दुख मिट ही नहीं सकता तो फिर प्रश्न करने का कोई मतलब ही नहीं था, लेकिन वो कह रहा है कि ये मिटेगा कैसे, इसका मतलब है कि मिट तो सकता है, भले ही अनंत काल से ये दुख चला आ रहा हो लेकिन मिट सकता है, माने दुख के मिटाने के उपाय के संबंध में प्रश्न है। समझ आ गया, पहले प्रश्न का भाव सबको समझना पड़ेगा कि ये प्रश्न किस संबंध में है, दुख का उपाय, दुख को दूर करने के उपाय के संबंध में प्रश्न, मेरा क्या उपाय है, कैसे मिटेगा ये दुख, प्रश्न दुख के दूर करने के संबंध में किया। और उत्तर की शुरुआत जो देते हैं वो देखो कहां से देते हैं, मैं ज्ञायक हूं, हम तो दुख को मिटाने की बात कर रहे थे ना, कि दुख कैसे मिटे, और आपने तो शुरुआत कर दी कि मैं ज्ञायक हूं, कि भाई साहब मैं ज्ञायक हूं ऐसा भूले हो इसीलिए दुखी हो। बोलो दुखी क्यों हो, कि मैं ज्ञायक हूं इस बात को भूल गए, और इसको भूल करके जो कुछ भी मैं माना
जिस किसी में भी मैं पने की मान्यता की कि वो सिवाय दुख के कुछ नहीं है। तो बस जिसको भूलने से दुख हुआ उसको याद कर लो। बात कितनी कितनी सरल है मार्ग, देखो आप जरा, है ना। तो क्या कह रहे हैं यहां पे, मैं ज्ञायक हूं विभाव से भिन्न, मैं ज्ञायक हूं। विभाव से भिन्न का मतलब क्या कि सीधा सीधा उत्तर दे दिया कि ये जो तू कहता है कि मैं दुखी हूं अनंत काल से, तो अरे मैं तो इस दुख से भी भिन्न ज्ञायक हूं। मैं दुखी हूं या दुख का जानने वाला हूं, नक्की तो करो पहले। आत्मा का लक्षण जानना है तो आत्मा का लक्षण दुखी होना है, बताओ जरा, नक्की करो भैया। आत्मा का लक्षण जानना है कि आत्मा का लक्षण दुखी होना है, तो आत्मा का लक्षण तो जानना कि दुख किसका लक्षण है, कि आश्रव दुख कार घने रे, कि दुख तो आश्रव का लक्षण है। दुखियारा कौन है, कि दुखियारा आश्रव है, मैं थोड़ी हूं। एक बार जोरदार रूप तरीके से इस दुख रूप दशा का, ये दुख रूप दशा में मैं दुखी हूं इस बात की अस्वीकृति क्यों नहीं आती, नक्की करो। समय सार की 72 नंबर की गाथा में आचार्य भगवान ने इस शब्द का प्रयोग किया कि आश्रव दुख के कारण है और भगवान आत्मा तो पर का कारण और पर का कार्य नहीं होने से दुख का अकारण है। ये शब्द का प्रयोग किया कि नहीं किया, बोलो जरा। 3 नंबर के बोल आए ना, तो उसमें क्या लिखा उन्होंने कि आश्रव को दुख रूप सिद्ध किया और भगवान आत्मा को दुख का अकारण। अरे दुखी तो है ही नहीं आत्मा, क्या कहा, गजब है गजब, कि दुखी तो आत्मा है ही नहीं। सच्चाई तो यह है कि आत्मा दुख का कारण भी नहीं है, माना आत्मा वो तत्व तो नहीं है कि जिसको कारण बना करके कोई दुखी हो जाए। अरे जिसने आत्मा को कारण बनाया उसके तो दुख मिटते हैं, दुख होता कहां है उसको। दुख तो तभी होते हैं ना कि जब हमने आत्मा को कारण नहीं बनाया। बोलो, विचार करो जरा कि भाई तेरा लक्षण ही नहीं है, दुखी होना तेरा स्वरूप ही नहीं है, दुखी होने लायक तू चीज ही नहीं है, तू तो ज्ञायक है। एक बार ज्ञायक की स्थापना कर और फिर बता के मैं दुखी हूं। अपने अंदर ज्ञायक की स्थापना करके आ और फिर बताना कि तू दुखी है कि नहीं है। क्या आप कैसी बातें करती हो, ज्ञायक भी दुखी हो सकता है और जो दुखी हो वो ज्ञायक हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि जो दुखी होता है ना वो जड़ स्वभावी होता है। 72 गाथा के हिसाब से बोल रहा हूं मैं, बोलो। आश्रव को जड़ स्वभाविक आग्नि कहा, आकुलता का उत्पादक कहा, दूसरा क्या बोल लिया कि जड़ स्वभावी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो दुखी है वो जड़ है। आश्रव दुख का लक्षण, आश्रव का लक्षण दुख, और आश्रव चैतन्य के जड़ है। तो उनने कहा कि वो तो जड़ स्वभावी, भगवान आत्मा चैतन्य स्वभावी। अरे तू अपने आत्म स्वभाव को भूल गया, तू अपने ज्ञायक को भूल गया, इसी का नाम आश्रव है, इसी का नाम दुख है, इसी का नाम आकुलता है। भगवान आत्मा तो दुख का कारण भी नहीं है। समय सार की 72 गाथा, वही बात यहां पर कही कि मैं ज्ञायक हूं विभाव से भिन्न, मैं ज्ञायक हूं। बस इस मार्ग पर जाने से दुख दूर होता होगा और सुख की घड़ी आएगी। मार्ग यह है, इस मार्ग पर चल। प्रश्न किया था ना दुखी कैसे मिटे, तो इस मार्ग पर चल। इसका मतलब क्या हुआ कि अनादि काल से अगर तू दुखी है तो आचार्य भगवान कहते हैं, ज्ञानी कहते हैं कि अनादि काल से तू चैतन्य के मार्ग पर चला ही नहीं,
चैतन्य के मार्ग से विपरीत मार्ग पर चला, इसलिए दुखी है। घड़ी आएगी ज्ञायक की प्रतीति हो। देखो बहुत गजब का बोल है, क्या कहा, किसकी प्रतीति हो। ज्ञायक की प्रतीति का मतलब क्या, मैं ज्ञायक हूं ऐसी प्रतीति, इसका नाम ज्ञायक की प्रतीति। प्रतीति तो पर्याय है ना, प्रतीति क्या है, वो तो श्रद्धा के पर्याय है, लेकिन पर्याय को प्रतीति किसकी हो, कि पर्याय को यह प्रतीति हो कि मैं तो ज्ञायक हूं, इसका नाम है ज्ञायक की प्रतीति। ज्ञायक की प्रतीति ये भेद से समझाया जाता है, सचमुच में ज्ञायक की प्रतीति या मैं ज्ञायक हूं ऐसी प्रतीति। क्या आ गया, ज्ञायक की प्रतीति इसमें तो भेद रहा अभी, है ना। तो ज्ञायक की प्रतीति किसे कहा, मैं ज्ञायक हूं, ऐसी प्रतीति को बोलते हैं ज्ञायक की प्रतीति। विश्वास, भरोसा, भरोसा ही तो नहीं आता अपने को, अब भाई आचार्य कहते तो हैं, ये ज्ञानी कहते तो हैं, है ना। हमारी दशा तो उस माली जैसी है जो सेठ को रोजाना विद्या का आकाश गामिनी विद्या से आकाश मार्ग में गमन करते हुए देखता था, फिर भी आकाश गामिनी विद्या की विधि पर उसे शक हुआ, संदेह हुआ कि नहीं हुआ, है ना। और एक अंजन चोर दूर से आया और आनम तानम कछुन जानम सेठ वचन प्रमाण, है ना, और विधि सिखाई थी, एक बार नमोकार मंत्र बोलना, एक रस्सी काटना, एक बार बोलना, एक रस्सी काटना, एक बार बोलना, एक रस्सी काटना, 108 बार बोलेगा 108 रस्सियां कटेगी, आकाश गामिनी विद्या तेरे को झेल लेगी। लेकिन 108 बोले क्या, नमोकार मंत्री याद नहीं हुआ, ऊपर गया तो मंत्री भूल गया, है ना। आनम तानम कछु न जानम सेठ वचन प्रमाणम, झेट कैसे एक साथ 108 काट दी, विधि की भूल होगी कि नहीं होगी, नहीं होगी। ये मंत्र वाले बताते ना, ऐसे करो, उंगली को यूं रखो, उंगली को यूं रखो, यूं रखो, यूं रखो, यूं रखो, यूं रखो, वो विधि का क्या हुआ बताओ जरा मुझे। वो विधि हो गई, विधि की भूल समझ लो, अगर उनकी भाषा में कहेंगे तो मंत्री भूल गया तो विधि क्या करेगी, और फिर भी विद्या सिद्ध हो गई। किसका बल था, भरोसे का बल था, श्रद्धा का बल था। आनम तानम कछु न जानम सेठ वचन प्रमाण, मैं कुछ नहीं जानता, सेठ जी ने जो कहा वो प्रमाण। तो जब सेठ जी के वचन को प्रमाण करने से, लेकिन कौन से सेठ जी, ध्यान देना, प्रमाणिक सेठ जी के प्रमाणिक वचनों को प्रमाण करने से आकाश गामिनी विद्या सिद्ध होती है। तो इन प्रमाणिक ज्ञानियों के प्रमाणिक वचन से प्रमाणिक तत्व को प्रमाणित करने से तेरे को चैतन्य की रिद्धि सिद्धि मिल जाए, इसमें क्या आश्चर्य। क्यों, क्योंकि ये चैतन्य की रिद्धि सिद्धि बताने वाले ज्ञानी प्रमाणिक हैं। क्यों प्रमाणिक हैं, क्योंकि ये सीधे सर्वज्ञ परमात्मा से इनके तार जुड़े हुए हैं। क्यों, क्योंकि जिस चैतन्य का अनुभव सर्वज्ञ परमात्मा से लेकर हमारे गुरु पर्यंत करते हैं, समय सार की पांचवी गाथा है ना, कितना भरोसा है कि जो हमारे हमारे गुरु जिस चैतन्य का अनुभव करते हैं, सर्वज्ञ परमात्मा भी उसी चैतन्य का अनुभव करते हैं, और जिस चैतन्य का अनुभव सर्वज्ञ परमात्मा करते हैं उसी चैतन्य का अनुभव हमारे गुरु करते हैं, इसलिए हमारे गुरु प्रमाणिक है। और प्रमाणिक गुरु की प्रमाणिक वाणी को हमारे ज्ञान में प्रमाण हम कर लेवे, ख्याल में है ना, उस प्रमाणिक, क्यों, क्योंकि उसमें उस तत्व की चर्चा है, उस चैतन्य की चर्चा है। अगर वो हमने प्रमाणित कर ली, अब बताओ दुख को ढूंढ के लाओ। अंधकार ने भगवान से बहुत शिकायत की कि साहब ये प्रकाश मुझे बहुत परेशान करता है, बहुत शिकायत की। तो ठीक है, जो जब तेरा वो तू फरियादी है, तू उसकी फरियाद कर रहा है, तो लेके आ साहब, यही तो समस्या है, वो होता है तो मैं हो ही नहीं सकता। समझ में आया कि नहीं है, तो यही बात है, तू एक बार अपने तत्व को प्रमाण तो कर,
मैं ज्ञायक हूं, एक बार ऐसा अंतर्मुख होकर के स्वीकार तो कर कि लेकिन मैं तो दुखी हूं ना। हाँ दुखी है, हम मान लिया हमने, तुम दुखी है मान लिया, लेकिन एक बार तू ये मान जो हम कह रहे हैं। आचार्य भगवान ज्ञानी ये कहते हैं कि एक बार हम कह रहे हैं ना तुझे, तू ज्ञानी है, इस मार्ग पर तू आ जा और फिर दुख को साथ में लेकर के आना और फिर हमको बताना कैसा दुख है। अब रहेगा दुख है ना, ये यहां पे कह रहे हैं। देखो होगा सुख की घड़ी आएगी, ज्ञायक की प्रतीति हो और विभाव की रुचि छूटे। काम एक ही है, दो अलग अलग काम नहीं है ये। ज्ञायक की प्रतीति और विभाव की रुचि, एक म्यान में दो तलवारें रह ही नहीं सकती। विभाव की रुचि भी रहे, तो वो ध्यान से सुनना, विभाव रहे ये नहीं मैं कह रहे अभी, विभाव की रुचि। क्या टूटेगा पहले? पहले विभाव की रुचि टूटेगी। तो विभाव की रुचि छूटे कब? कि ज्ञायक की प्रतीति हो और विभाव की रुचि छूटे। इसका मतलब क्या हुआ कि ज्ञायक की प्रतीति होने पर विभाव की रुचि छूटती है और ज्ञायक में प्रवृत्ति होने पर विभाव परिणति मिटती है। अंतर आ गया समझ में? आ गया। तो विभाव की रुचि, विभाव की रुचि माने मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी का प्रकार। विभाव की रुचि कहां खड़ी रहती है? कि मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी, ये विभाव की रुचि का परिणाम है। माने विभाव की रुचि कहो चाहे मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी का परिणाम कहो, एक ही बात है। वो कब होती है? कि जब ज्ञायक की रुचि नहीं होती। जब ज्ञायक की प्रतीति होती है, ज्ञायक की रुचि होती है, ज्ञायक की प्रतीति होती है, तो पहले विभाव की रुचि छूटती है। हमारी गलती क्या है कि हम विभाव की रुचि नहीं छोड़ना चाहते, पहले विभाव को छोड़ना चाहते हैं। राग का मुझे अभाव करना है, मुझे नहीं चाहिए राग, राग घटाओ, कसाई घटाओ, ये करो ये करो। कि भाई साहब पहले ये बताओ कि इसकी रुचि छूटी कि नहीं छूटी। रुचि छूटेगी प्रतीति से और विभाव छूटेगा प्रवृत्ति से। कि हमारी जब ज्ञायक में प्रवृत्ति होगी तो विभाव छूटेगा। तो जगत का अज्ञानी बोलता ठीक है जी हम ज्ञायक में प्रवृत्ति कर लेंगे, लेकिन भाई साहब प्रवृत्ति प्रतीति के बिना नहीं होती। समस्या ये है, तुम पांचवी क्लास में जाना चाहते हो लेकिन पहली पास नहीं हो अभी, ख्याल में है कि नहीं? पहली से आगे नहीं बढ़े अभी, तो पहली क्लास में बैठे हो अभी। नहीं मुझे तो सातवें में बैठा दो सीधी, कैसे होगा? आया तो ये देखो, स्वभाव की ज्ञायक की प्रतीति हो और विभाव की रुचि छूटे, ऐसे प्रयत्न के पीछे विकल्प टूटेगा। मैंने ऐसा अगर तू प्रयत्न करेगा विकल्प टूटेगा। विकल्प तोड़ने के विकल्प से विकल्प नहीं टूटेगा। हमारी क्या गलती होती है? विकल्प को तोड़ने का विकल्प हम करते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि विकल्प को तोड़ने का विकल्प एक और नया विकल्प है। नहीं, एक नया विकल्प नहीं, विकल्प तो पहले से चल रहा है, और पहले से विकल्प चल रहा और अब हमने एक और नया विकल्प खड़ा किया। कौन सा विकल्प खड़ा किया? विकल्प को तोड़ना है। अरे तोड़ना फोड़ना ये जैन दर्शन में है ही नहीं। तुम तो अपने में जुड़ जाओ, जिसको टूटना है टूट जाएंगे। यहां जुड़ने की बात है, तोड़ने की बात नहीं है। ये तोड़ फोड़ का दर्शन नहीं है, ये बात अलग है। हम अपने स्वरूप में जुड़ेंगे, हम अपने स्वरूप में जुड़ेंगे। अब जिसको टूटना है तो टूट जाए, हम क्या करें उसमें? नहीं आई बात समझ? हम अपने घर में जाएंगे तो हम अपने घर में जाएंगे तो सारे नगर, सारे घर छूटे ही नहीं छूटे।
एक एक घर को छोड़ के जाते हो घर में, एक एक घर को छोड़ करके घर में जा सकते हो? एक एक घर को छोड़ने के लिए जाओगे ना तो सुबह से शाम तक छोड़ने में टाइम बीतेगा और फिर भी कुछ छोटे हुए रह जाएंगे, छोड़ने से रह जाएंगे और अपने घर में तो जा ही नहीं पाओगे। तरीका ये कि अपने घर में चले जाओ, अपने घर में चले गए जो छूटने योग्य हैं छूट जाएंगे, छूटे हुए छूट गए, अपने स्वरूप में चले गए विकल्प टूट गया। स्वरूप में कब जा सकते हैं? कि जो स्वरूप की प्रतीति हो, ये कहा विकल्प टूटेगा और विकल्प टूटने पर क्या होगा कि सुख की घड़ी आएगी। ये है सुख की घड़ी, है ना। मैं ज्ञायक हूं ऐसा भले ही पहले ऊपरी भाव से कर। ऊपरी भाव से मतलब क्या कि पहले विकल्पात्मक दशा में ये निर्णय आता है, पहले ऊपर ऊपर से ये बात आती है ना, एकदम ज्ञायक स्वभाव की प्रतीति नहीं हो जाती। पहले गुरु के द्वारा मैं ज्ञायक हूं ऐसा उपदेश सुना, सुन करके उसका गहरा मंथन, उसका विचार, उसका खटक, उसकी रटन, जैसे व्यापारी को 24 घंटे बैठा कहीं हो नजर कहां रहती है, नजर व्यापार पे रहती है कहीं बैठा हो, है ना। इसी तरह आत्मार्थी की दृष्टिकोण, आत्मार्थी का नजर, आत्मार्थी की नजर कहां है, आत्मार्थी की नजर आत्मा पर है, भले ऊपरी ऊपर, भले पहले विकल्पात्मक रूप से आएगा वो, क्यों, क्योंकि निर्विकल्प होने के पहले विकल्प आता है, लेकिन वो विकल्प विकल्प के लिए नहीं होता, वो विकल्प निर्विकल्प होने के लिए होता है। सविकल्प से निर्विकल्प होता है, रसपूर्ण चिट्ठी में है कि नहीं, सविकल्प से निर्विकल्प होने का विधान। तो सविकल्प से निर्विकल्प माने क्या कि सविकल्प करते करते निर्विकल्प नहीं, लेकिन सविकल्प का मतलब ये कि विकल्प तोड़ते तोड़ते निर्विकल्प होता है, विकल्प टूटते टूटते निर्विकल्प हो जाता है। जैसे आप समझो नींद आती है अपने को, नींद नींद और अनुभूति की प्रक्रिया बिल्कुल एक जैसी है। अनुभूति वाला ये नहीं बता सकता कि मुझे अनुभूति के अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय का विकल्प कैसा था, अनुभूति की पहले की अनंतर पूर्व क्षणवर्ती की बात कर रहा हूं, अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय में कौन सा विकल्प था, ये निर्विकल्प अनुभूति वाला नहीं बता सकता। जैसे हम सोते हो और अंतिम विकल्प हमें सोने के अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय में क्या विकल्प चल रहा था हम नहीं बता सकते। क्या मतलब कि पहले विकल्प का बहुत तूफान चलता है, प्रैक्टिकल कर लेना कभी, सारे गोरख धंधे इधर विकल्प का तूफान चलता रहता है और उधर नींद की खुमारी बढ़ती रहती है। क्या बढ़ती है? नहीं बढ़ती। प्रयोग कर लेना, आज प्रयोग कर लेना इस चीज का और फिर मुझे बताना कि कल सोने के तुरंत पहले कि जिसके अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय के पहले आपको कौन सा विकल्प था, आप प्रयोग करके बताना। तो यही याद करते रहोगे, देखता हूं मैं कौन सा विकल्प आया, कौन सा विकल्प आया, कौन सा विकल्प आया, कौन सा विकल्प आया। ये पद्धति नहीं है निर्विकल्प। देखो जिसे नींद की खुमारी बढ़ती है तो विकल्प शिथिल पड़ते जाते हैं, क्योंकि जोर किसका है वहां पर, कि जोर नींद का है। तो नींद के जोर में विकल्प शिथिल पड़ते हैं और फिर नींद आती है तो उसके पहले कौन सा विकल्प था हमें पता नहीं पड़ता। यहां पर भी अनुभूति में भी ऐसे ही होता है कि देखो स्वभाव का विकल्प है तो पहले विकल्पों का उफान होता है, होता है ना, लेकिन स्वभाव के जोर में, क्योंकि उस साधक का लक्ष्य, साधक का प्रयोजन विकल्प में खड़े रहना तो नहीं है, स्वभाव को प्राप्त करना उसे उसका प्रयोजन है। तो पहले तो उसके विकल्पों की दिशा बदल गई। कौन से विकल्पों की दिशा बदल गई कि सारे जगत के विकल्प, अरे यहां तक देव शास्त्र गुरु संबंधी विकल्प, वो विकल्पों से भी अतिक्रांत होकर, अरे व्यवहार के विकल्पों से भी अतिक्रांत होकर अब वो स्वभाव के विकल्प में आया। मेरा स्वभाव कैसा है? मैं तो ज्ञान आनंद से परिपूर्ण हूं, मैं तो अनंत वैभव संपन्न हूं,
मैं तो अनंत चित शक्तियों का पिंड हूं, ऐसे अनेक प्रकार से स्वभाव के विकल्प चले। लेकिन बात यह थी कि विकल्प में विकल्प का जोर नहीं था। विकल्प को कौन मारता है? विकल्प का निषेध कैसे होता है? विकल्प के द्वारा विकल्प का निषेध नहीं होता, यह ध्यान रखना। कभी हम लोगों की क्या है, हम लोगों की क्या स्थिति है, हम विकल्प से विकल्प का निषेध करना चाहते हैं। अरे भाई साहब, वो जाति भाई है और एक जाति भाई दूसरे जाति भाई को नहीं मारेगा। नहीं आई बात सामने? विकल्प विकल्प तो जाति भाई है, तो विकल्प विकल्प को कैसे मारेगा, है ना? तो विकल्प स्वभाव का, स्वभाव के संबंध में विकल्प है मान लो, लेकिन वहां जोर विकल्प का नहीं है, जोर स्वभाव का है। आता है समझ में? और जो स्वभाव का जोर है वो स्वभाव का जोर विकल्प को हावी नहीं होने देता। क्या मतलब? कि शुद्ध नय के विकल्प तक आया तो सीधा प्रश्न खड़ा होता है, उससे क्या? अरे साहब, मैंने पाप के विकल्प छोड़ दिए, स्वभाव के जोर वाले को प्रश्न होता है, उससे क्या? कि मैंने व्यवहार के विकल्प छोड़ दिए, उससे क्या? कि मैं अब स्वभाव के विकल्प में आया हूं, उससे क्या? है ना, मैंने व्यवहार के विकल्प छोड़ करके मैं परमार्थ के विकल्प में आया हूं, कि भाई परमार्थ में विकल्प नहीं है और विकल्प में परमार्थ नहीं है, ये नक्की कर लेना। परमार्थ स्वरूप में विकल्प नहीं है और विकल्प में परमार्थ स्वरूप नहीं है, इसलिए तू परमार्थ स्वरूप के विकल्प तक भी आया, तेथी शू, उससे क्या? ये स्वभाव के जोर के बल पर विकल्प शिथिल पड़ते जाते हैं, शिथिल पड़ते जाते हैं, और एक समय वो स्थिति आती है कि परिणाम स्वरूप में मग्न हो जाते हैं, और वो मग्न परिणाम वाला भी ये नहीं बता सकता कि जिस समय मुझे आत्मा की अनुभूति हुई उसके अनंतर पूर्व क्षणवर्ती मेरा कौन सा विकल्प था, जिसको अपन बोलते ना प्रायोगिक लब्धि से करण लब्धि में आने की प्रक्रिया और करण लब्धि से स्वरूप में समा जाने की प्रक्रिया, है ना? तो करण लब्धि के अंतिम समय का विकल्प कौन सा था ये बताओ। तू तो नहीं बता सकता, और बता कोई कोई कहे कि मैं बता सकता हूं तो हम कहेंगे तुझे अभी ना करण लब्धि हुई है और ना तुझे स्वरूप का अनुभव हुआ है। अपने को भी धोखा मत दे, दुनिया को भी मत बनाओ। तो पता नहीं जोर स्वभाव का वो यहां पे कह रहे, देखो कि भले ही पहले ऊपरी ऊपरी भाव से कर, पहले ऊपर ऊपर से आए गए, लेकिन फिर क्या होगा कि फिर गहराई से कर। देखो उपदेश की भाषा है, प्रश्नकार ने प्रश्न किया ना, तो उपदेश की भाषा ऐसी है, ऐसा कर ऐसा कर ऐसा कर, ये उपदेश की प्रश्नकार को प्रश्न के उत्तर के रूप में उपदेश की भाषा है। सच में जिसको आत्मा की अनुभूति होती है वो इन्हीं प्रक्रियाओं से होकर के गुजरता है, है ना? वही श्री ज्ञानी धर्मात्मा थी, 19 वर्ष की उम्र में स्वयं स्वरूप का साक्षात्कार किया, तो जिन परिस्थितियों से होकर के वो गुजरी, जगत के सामने उन परिस्थितियों को रखा, तो पहले ऊपर ऊपर से कर, इसका मतलब क्या? तो पहले ऊपर ऊपर से ऐसा विकल्प आता है, फिर गहराई में जा, तो गहराई में जा मतलब तो ऊपर, मतलब वो विकल्पों का जोर शिथिल होता जाता है और स्वभाव का जोर बढ़ता जाता है, इसका नाम है गहराई में जाना। गहराई में जाने का मतलब क्या होता है? यही तो गहराई है कि स्वभाव का जोर बढ़ गया, अभी निर्विकल्पता नहीं हुई, जोर स्वभाव का बढ़ा, विकल्प का रस शिथिल होता जाता है, है ना? गहराई से कर, परंतु चाहे जैसे करके, चाहे जैसे करके मतलब कुछ भी कर ले, चाहे जैसे करके मतलब कि चाहे जैसे करके माने तीव्र पुरुषार्थ से, तेरा जोर लगेगा पूरा इसमें, बहिर्मुखता से अंतर्मुख होने में स्व सन्मुखता का पूरा जोर है, स्व सन्मुखता का जोर है, चाहे जैसे करके मैंने कुछ भी कर ले,
कि चलो जी आत्मा का अनुभव नहीं हो रहा तो मैं नमोकार मंत्र की माला जपूंगा, कि नमोकार मंत्र की माला जपेगा तो नमोकार मंत्र की माला होगी, आत्मा का अनुभव नहीं होगा, कुछ भी करकेगा मतलब ये नहीं है। जैसे आया ना उसमें आई कथमपि मृत्वा तत्व को तू हलीसन, कुछ भी करके कैसे भी करके एक अंतर मुहूर्त के लिए आत्मा को पड़ोसी बना, तो कुछ भी करके क्या मतलब क्या? तोरी सकल जग द्वंद फंद निज आत्म ध्याव, बोलते कि नहीं बोलते अपन? कुछ भी करके ये पुरुषार्थ को बताता है, तेरा मतलब तेरा पूरा का पूरा बल उधर लगना चाहिए, समझ आ गया? आत्मा के अलावा किसी के लिए अपना कोई बल बचा के मत रखना, जितनी तेरी ताकत है सारी ताकत आत्मा के लिए झोंक देना, इसका नाम है कुछ भी करके। नहीं नहीं, थोड़ा आत्मा के लिए और थोड़ा दूसरों के लिए। विभक्त चित्त से किया गया कार्य कभी भी सफलता नहीं देता है, क्योंकि तेरा तो चित्त ही बटा हुआ है, तू तो आधा आत्मा के लिए समर्पण करना चाहता है और आधा दूसरों के लिए समर्पण करना चाहता है, और प्राप्ति की पहली शर्त यह है कि संपूर्ण समर्पण होना चाहिए। तुझे आत्मा प्राप्त करना है ना, तो आत्मा के प्रति तेरा संपूर्ण समर्पण होना चाहिए, तो आत्मा मिलेगा। इतना सस्ता नहीं है, आत्मा के रस्ते में पड़ा है, और सस्ता बहुत है, क्योंकि मिलेगा क्या, कोई दूसरा थोड़ी है। बोधि आपका भाव है निश्चय दुर्लभ नहीं, और भाव में प्राप्ति कठिन है, ये व्यवहार का है, कठिन भी है, क्यों? क्योंकि उल्टी दिशा में चल रहा है। सरल भी है, क्यों? क्योंकि दूसरी चीज नहीं है, खुद को खुद स्वयं को पाना है, पाने वाला भी खुद और जिसे प्राप्त करना है वो भी खुद, वो सरल भी है। और कठिन इसलिए है, इतना सरल है कि इसे विश्वास ही नहीं आता कि इतना सरल भी हो सकता है, नहीं है समझ में? आत्मा को प्राप्त करना इतना सरल हो सकता है, इस बात का इसे भरोसा ही नहीं आता, ऐसा भी होता है, ऐसा ना, इतना सरल है। सबसे सरल है निज पद को पाना, बोलो मिथ्या दर्शन सरल है कि सम्य दर्शन सरल है? संसार में भटकना सरल है कि मोक्ष जाना सरल है? आज नहीं कल सोच के बता देना, अभी तो 10 दिन है अपन, जरूरी थोड़ी है एक ही दिन में सारे उत्तर चाहिए। देखो भैया, अनुभव प्रकाश में पंडित दीप चंद जी ने लिखा, आत्मस्वरूप को प्राप्त करना सरल है, लेकिन कैसा है? कि जो सरल है उसे कठिन बताता है, कठिन है उसे सरल बताता है, है ना? उन्होंने तो ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है कि तो आत्मघाती मां पापी है, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया अपन लोगों के लिए, क्यों? क्योंकि तेरा तुझे पाना है, तू स्वयं है, जिसे पाना है वो कोई दूसरा नहीं है। अब इससे सरल क्या होगा? लेकिन इतना सरल है इस बात का भरोसा नहीं आता, इसलिए इसने आत्मा को पाना कठिन बना लिया है। अरे मेंढक कर लेते हैं ये काम, समझ आ गया? ढाई दीप के बाहर असंख्यात त्रियंच, कितने असंख्यात त्रियंच, सम्यक दृष्टि ही नहीं पंचम गुणस्थान वर्ती पड़े हैं। बोलो, स्वरूप की आराधना सर्वार्थ सिद्धि के देव से अधिक सुख है ना? वो ढाई दीप के बाहर सम्य दृष्टि त्रियंच को पड़ा है, उसको आता है। बोलो क्या है उसमें, कोई कठिन काम थोड़ी? तो वे कह रहे हैं, परंतु चाहे जैसे करके उस मार्ग पर जा। बहुत मधुर प्रेरणा है। शुभाशुभ भाव से भिन्न ज्ञायक का, देखो कितना सा काम है, शुभाशुभ भाव से भिन्न, तुझे भिन्न भी करना नहीं है, वो भिन्न तो है,
तूने अभिन्नता मान रखी है, इस मान्यता पर पोता फेर दे। तो सुभाशुभ भाव से भिन्न ज्ञायक का ज्ञायक रूप से अभ्यास करके बस इतना काम है। कितनी गजब की बात कह दी, ज्ञायक का ज्ञायक रूप से अभ्यास। अभी तक क्या हो रहा है कि ज्ञायक का शरीर रूप से अभ्यास, शरीर में भी क्या कि जब अपना इस शरीर के संयोग रूप जन्म हुआ था, जिसको जन्म बोलते हैं, है ना, तब माता पिता ने परिवार जनों ने एक ज्योतिषी को बुलाकर उस जमाने में 10-11 रुपया नारियल जो भी दिया होगा दे करके कहा था, ज्योतिषी जी इस बालक का जन्म हुआ है, इस बालक का नामकरण कर दो। और भाई साहब वो 11 रुपए में अपना नामकरण हुआ था, यानी अपने नाम की कीमत सिर्फ 11 रुपए है, सोच लें। और वो 11 रुपए के नाम को ऐसा छाती से लगा के रखा है कि सैकड़ों आदमियों की भीड़ में भी अपन सो रहे हो और नाम लेकर के कोई जगावे कि बोल भाई, हां बोलो क्या कहते हो, कैसा नाम में एकत्व है कि जिस नाम की कीमत 11 रुपए है ना। और आत्मा आज यहां से चला गया, शाम को 3 बजे चला गया तो 6 बजे के पहले पहले तो सब साफ कर देंगे, नहीं करेंगे। अब ये अलग मजबूरी है कि शाम के समय जाए तो रात भर झेलना पड़ेगा, नहीं है, नक्की करो कीमत कितनी है, इस मृतक कलेवर की कीमत कितनी है। कितना ही सुंदर शरीर हो, जीवन भर कितना ही परिवार वालों को कमा कमा करके खिलाया हो, लोक में जिसे कहते कौन खिलाता है किसको, है ना, समाज के लिए कितना ही कि सब कुछ किया हो, लेकिन देह छूटने के बाद कितने लंबे काल तक रखने वाले हैं बताओ। हाँ थोड़ा बड़ा नेता हुआ तो कहेंगे अंतिम दर्शन के लिए रख दो इसको, मैं कहता हूं अंतिम दर्शन की पद्धति क्यों चली है, इसलिए चली कि देखो ये नेताजी सारी दुनिया में ये बड़े आदमी है ना, ये सारी दुनिया के कर्तव्य का अभिमान कर करके मर गए लेकिन ये कुछ नहीं कर सके, देख लो इनकी अंतिम पोजीशन ये है। भाई साहब ये स्थिति सबके जीवन में आने वाली है, सभी उसी देखो एक लक्ष्य बिंदु सबका नक्की है, सबकी आयु के क्षण नक्की है, है ना। अब हम जितने कदम बढ़ रहे हैं, जितने कदम बढ़ रहे हैं प्रतिदिन 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 उतने दिन हम मृत्यु के करीब जा रहे हैं, नक्की कर लो ये बात। ज्ञायक का ज्ञायक रूप से अभ्यास कर लेना, जब तू जो नहीं है वो मान सकता है, ख्याल में आ गया, तू शरीर नहीं है अपने को शरीर मानता है, तू राग नहीं है अपने को राग मानता है, तू कर्म नहीं है अपने को कर्म मानता है, तू संयोग नहीं है अपने को संयोग मानता है। तो जब तू झूठ मान सकता है तो सत्य मानने में तुझे क्या परेशानी है आचार्य के, जो है अपना जो स्वयं है उसे मान ले कि ये मैं हूं, इससे ज्यादा कुछ है नहीं। तो यहां पर लिखा ज्ञायक का ज्ञायक रूप से अभ्यास करके, कितना गजब का शब्द है, ज्ञायक का ज्ञायक रूप से अभ्यास करके, अभ्यास करके माने रटकर पढ़कर, अभ्यास उसी का गोलन उसी का मनन उसी का चिंतन उसी का, है ना, हां अभ्यास करके ज्ञायक की प्रतीति दृढ़ करना, यही मैं हूं इसके अलावा मैं कुछ नहीं हूं। ज्ञायक को गहराई से प्राप्त करना, ऊपर ऊपर से नहीं कि ज्ञायक है मंदिर का नाम तो ज्ञायक है कि बाकी के बाकी तो जो अपन है सो है ही, मंदिर में गया, मंदिर में शरीर का नाम लेने से घबराता है, नहीं नहीं मेरा नाम क्या है तो ये बोलेगा शुद्धात्मा है मेरा नाम,
यहां मंदिर में अपना इस शरीर का नाम लेने से घबराता है, अरे नाम ये रखा है अंदर में। सोचो भाई, है ना, जरा विचार करना, गहराई से प्राप्त करना, वही सादी अनंत सुख प्राप्त करने का उपाय है। कैसा सुख? कि एक बार शुरू होने के बाद जिस सुख का अनंत काल तक के लिए तुझसे कभी वियोग नहीं होगा। बोलो, एक समय की कमाई तू अनंत काल खाएगा। बोलो, नक्की करो कि ये एक बार, एक बार ये धर्म का सीजन आया है, है ना। दस लक्षण पर्व माने क्या होता है? धर्म का मौसम होता है कि नहीं होता? व्यापारी क्या करता है कि सीजन में अपनी कमाई कर लेता है और फिर बाद में ऑफ सीजन में बैठ करके खाता है, कोई तकलीफ नहीं होती, है ना। तो कहते हैं कि दस लक्षण पर्व तो है ना, ये तो धर्म का मौसम है। कहते इस मौसम में एक बार तू ज्ञायक स्वभाव की आराधना करके, ज्ञायक स्वभाव को प्राप्त करने का अप्रतिहत पुरुषार्थ करके उसको गहराई से प्राप्त कर ले, सादी अनंत काल तक ये जो कमाई है ना तेरी, कि ये कमाई कभी मिटने वाली नहीं है, सादी अनंत काल तक तुझे निरंतर उस आत्म स्वभाव के अतिंद्रिय आनंद का उपभोग होगा। नक्की तो कर, कितनी गजब की बात है। देखो भाई, हाँ, करने का उपाय है। आत्मा सुख का धाम है, आत्मा में दुख रहता ही नहीं। देखो, दुख आत्मा के सुख गुण की विपरीत अवस्था तो हो सकती है। क्या कहा? दुख आत्मा के सुख नाम के गुण की विपरीत दशा तो हो सकती है, लेकिन आत्मा में दुख नाम का कोई गुण नहीं है। आत्मा में दुख नाम का कोई गुण है? और अगर आत्मा में दुख नाम का गुण हो तो सबसे दुखी कौन होंगे, सर्वाधिक दुखी कौन होंगे? कि जिनको गुणों का पूर्ण परिणमन प्रकट होता है वे दुखी होंगे। तो सिद्ध भगवान से ज्यादा दुखी कोई नहीं होगा। लेकिन आत्मा में सुख नाम का गुण है, आत्मा में दुख नाम का गुण नहीं है। क्योंकि दुख सुख नाम के गुण की विपरीत अवस्था है, विकृत अवस्था है, बिगड़ी हुई अवस्था है। हाँ, आ गया, बिगड़ी हुई अवस्था। तो आत्मा कैसा है? कि भाई आत्मा तो सुख का धाम है। 47 शक्तियों में सुख शक्ति है कि नहीं? है कि नहीं? हाँ, सुख का धाम है, उसमें से सुख प्राप्त होगा। वो सुख का धाम है ना, हाँ? सुख का धाम है तो धाम में पहुंच तो मिलेगा ना। कि साहब सुख का धाम है तो फिर सुख क्यों नहीं मिलता? कि तू धाम में कहां पहुंचा? तुझे सुख के धाम, आत्मा सुख का धाम है ऐसा अंतर से भरोसा आया क्या? अंतर से उसका विश्वास आया क्या? तेरी परिणति उस सुख धाम की ओर झुकी क्या? क्योंकि जिसमें हमें सुख भासित होता है वहां हमारी परिणति का झुका हुए बिना नहीं रहता। ये नियम है। क्यों? क्योंकि आत्मा का स्वभाव सुखमय है ना, तो सुख के पीछे उसकी परिणति भागती है। अभी जैसे इंद्रिय विषयों में अपने को सुख लगता है, ये भरोसा है कि इसमें से सुख आएगा, भले नहीं आता लेकिन भरोसा तो यही है ना। तो 24 घंटे इंद्रिय विषयों के हम गुलाम हैं, नहीं बने हुए। पूरा जीवन 5 इंद्रिय के विषय कसाई की सामग्री के लिए समर्पित है कि नहीं? बताओ, आज ऐसा कौन जैनी है कि जो आज अपना व्यापार बंद कर दे और जितना पैसा है उसके पास उसको बैंक में भी डाल दे तो जीवन भर रोटियां नहीं मिलेगी? कौन जैनी है बताओ जरा? लेकिन है किसी जैनी को भरोसा? लाख लखपति हो तो करोड़पति बनने की चाह है, करोड़पति हो तो अरबपति बनने की चाह है, और अरबपति हो तो खरबपति बनने की चाह है,
मैंने कहा भाई साहब सोने की थाली में रोटी खा सकते हो लेकिन खाओगे रोटी गेहूं की, ये नक्की कर लेना। लेकिन क्या लगता है कि उसमें से सुख आएगा, करोड़ों रुपए हो जाएंगे तो क्या होगा? अरे साहब लोग जानेंगे मेरे को, है ना। वो 2 अरब 40 करोड़ का गुरुदेव किस्सा सुनाते थे, हैं? शांतिलाल खुशाल सुनाते थे कि नहीं सुनाते थे, हैं? कि 2 अरब 40 करोड़, कब की बात है 2 अरब 40 करोड़? आजकल तो 2 अरब 40 करोड़ को पूछे कौन, ये गुरुदेव के जमाने की बात है, यानी 40-45 साल पहले, कि जिस समय आज की नई पीढ़ी को बताएं तो शायद भरोसा ना करे, जिस समय 4 रुपए किलो मूंगफली का तेल और 2 रुपए किलो शक्कर बिकती थी, कोई सोच सकता है? हमने देखा है ना, अपन लोगों ने देखा वो जमाना तो है कि नहीं। और करीब 100-150 रुपए किलो 100-150 रुपए तोले सोने का भाव था, पेट्रोल डीजल की बात नहीं करता मैं, उस समय मुझे पता नहीं वो क्या था, ये था। उस जमाने में 2 अरब 40 करोड़, गुरुदेव कहते थे एक रात्रि में उसको 1:30 बजे दर्द उठा, मने काई थाय छे, बुलाओ डॉक्टर को। और डॉक्टर को बुलाने गए और जब तक डॉक्टर आता है तब तक तो भाई साहब गए 4 गति में भटकने। बोलो 2 अरब 40 करोड़ को छाती से बांध दे उसकी पे तो फिर तो उसका हार्ट रुक जाएगा ना। नहीं नहीं अब तो 2 अरब 40 करोड़ का मालिक हो गया हूं मैं। देखो सोचो जरा, शरीर के किसी अंग को इससे कोई मतलब नहीं है कि तुम्हारे पास कितने पैसे हैं। आंख किसी की खराब हो रही हो, उस आंख पे जितनी संपत्ति है वो सारी संपत्ति लेके आंख के ऊपर बांध दो, 1 घंटे तक उस संपत्ति की गर्मी आंख को दे दो, फिर तो आंख ठीक हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ? अरे वो एक आंख तुम्हारी सारी संपत्ति को नकारती है। एक अंगुली होती ना, अंगुली कट रही हो, सड़ गई हो, इस अंगुली पे नोटों की बंडल बांध दो, इस पे 2000 की गड्डी बांध दो, 2 लाख की गड्डी बांध दो, ऐसे करके फिर तो गर्मी आएगी ना नोटों की। अरे नोटों में बड़ी गर्मी होती है ना, इस सड़ी हुई अंगुली को तो मिटा ले वो नोट। विचार करो जरा, ये तो अपन ने अपनी भ्रांति से माना है, लेकिन इसमें से एक सिद्धांत निकला कि जिसमें सुख माना है वहां समर्पण होता है। ये बात पक्की, अपने को तो ये सिद्धांत लेना है इसमें से कि उसमें सुख माना तो वहां हम समर्पण करते हैं कि नहीं करते, और संपूर्ण समर्पण करते हैं कि नहीं करते। तो यदि हमें आत्मा में सुख लगा होता तो आत्मा के प्रति हमारा समर्पण होता कि नहीं होता? और देखो भाई, तुम लौकिक में जगत के संयोगों के लिए कितना ही अपना जीवन समर्पित कर दो, मिलेगा उतना ही जितना पुण्य के उदय से मिलना है, समय से पहले और भाग्य से अधिक, बोलते कि नहीं बोलते? उतना ही मिलने वाला है। और यहां यदि समर्पित किया, क्योंकि वहां कर्म की चलती है और यहां स्वभाव की चलती है, अगर यहां आत्मा के प्रति संपूर्ण समर्पण किया और आत्मा प्राप्त ना हो, ऐसा एक उदाहरण आज तक के इतिहास में नहीं बना है। सत्य के शोधकों से सत्य दूर नहीं रहा है, ख्याल में आ गया कि नहीं आ गया, है ना। और इसके प्रत्यक्ष उदाहरण है अपनी सोगानी जी साहब, ख्याल में आ गया कि नहीं आ गया? सत्य की हूक थी, सत्य की तड़प थी, स्वभाव को प्राप्ति की झंकना थी। पहली बार एक मारवाड़ी आदमी ठेठ अजमेर का, और ठेठ काठियावाड़ी उस समय गुरुदेव गुजराती भी बोलते थे, उस समय की गुजराती भी आप नहीं समझ सकते, हम नहीं समझ सकते, ठेठ काठियावाड़ी में गुरुदेव बोलते थे उस समय, लेकिन भाषा कोई समस्या नहीं हुई, भाव से भाव मिल गए और प्राप्त कर लिया। तुझे जिज्ञासा हो, तुझे तड़प हो, तुझे आवश्यकता लगे और आत्मा प्राप्त नहीं हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। और आवश्यकता नहीं लगे और आत्मा प्राप्त हो जाए, ऐसा कभी हो नहीं सकता, आया? इसलिए बहन श्री का ये जो उपदेश, आत्मा सुख का धाम है, उसमें से तुझे सुख प्राप्त होगा, होगा ये गारंटी, सुख को प्राप्त किया है जिन्होंने, वो गारंटी दे रहे हैं कि तुझे सुख प्राप्त होगा।
ये प्राप्त करने वालों ने प्राप्ति की गारंटी दी है। बैंक में भी राजकुमार जी साहब, आप तो बैंक में थे, किसी को लोन देना होता, किसी को 5 लाख का आपको लोन देना होता, तो उसके गारंटर के पास कितनी संपत्ति होनी चाहिए आपके हिसाब से? हैं? उससे अधिक की होनी चाहिए ना। क्यों? कि कदाचित ये भग गया तो इसकी संपत्ति से हम चुक तो लेंगे, लेकिन 5 लाख की संपत्ति वाला जिसको 5 लाख का लोन दिया और उसका गारंटर हो दिवालिया, कि जो पहले ही किसी बैंक का लोन खाके भगा हो, तो मानोगे उसकी गारंटी? गारंटी मानने जैसा नहीं है, है ना। कि ये हमें शुद्धात्मा से सुख प्राप्त करना है तो हमारी गारंटी में कौन खड़े हैं? तो हमारी गारंटी में अनंत ज्ञानी खड़े हैं। कि जो ये कहते हैं कि हमने प्राप्त किया है, हमने प्राप्त किया है, तू सही दिशा में प्रयत्न कर और यदि तुझे मोक्ष नहीं मिले तो हमसे लेना। श्रीमद जी ने लिखा ना कि तू प्रयत्न कर और इसके बाद भी यदि तुझे मोक्ष नहीं मिले तो मुझसे लेना। मुझसे लेना कहकर के क्या कहना है? कोई दे सकता है? मुझसे लेना कहने कहकर के वो ये कहना चाहते हैं कि ये बात अफर है, निश्चित है, गारंटेड है कि ऐसा करने से तुझे अवश्य 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 प्राप्ति होगी। ऐसे यहां पर ये बहन श्री ने कहा। अब अगला जो अपना प्रश्न चलेगा कि जिज्ञासु को 24 घंटे आत्मा के विचार चलते हैं, मतलब कोई खाता पीता नहीं है, कमाता नहीं है, ये नहीं करता, वो नहीं करता, आत्मा ही आत्मा के विचार करता रहता है, क्या करता है? उसका उत्तर बहुत अच्छा आएगा कल की स्वाध्याय में।